सेकंड सवाल, बच्चे होमवर्क करके आना चाहिए था तुझे। तुझे मालूम है कि वायकॉम 18 ने फिल्म प्रोड्यूस की है वूट के लिए, बैडमैन, उसका हीरो कौन है बोल। बस तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, बधाई टू वायकॉम 18 फॉर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क, मेकिंग डाइवर्स फिल्म्स एंड मेकिंग फिल्म्स एंड रियली रियली सपोर्टिंग दोज फिल्म्स, यू नो, फिल्म्स ऑफ डिफरेंट साइज, फिल्म्स ऑफ डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ यू नो सब्जेक्ट मैटर। एंड मुझे बेहतर खुशी है कि उनका जो फिल्म सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डाइवर्स और बहुत डिफरेंट है। दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बुके ऑफ वेरियस फिल्म्स। मेरे लिए पर्सनली वायाकॉम 18 से जुड़ने का ये मौका फिल्म बैडमैन की वजह से हुआ। फिल्म बैडमैन जो कि आपको मालूम है कि वायाकॉम 18 का एक डिजिटल वर्टिकल है, डिजिटल आर्म है वूट। फिल्म बैडमैन इंडिया की पहली फिल्म जो कि डिजिटल ऑडियंस को दिखाई जा रही है। इन द सेंस कि इससे पहले ऐसा हो रहा था कि डिजिटल ऑडियंस को पहले की बनी हुई फिल्में जो थिएटर्स में आ चुकी हैं, टेलीविज़न पर आ चुकी हैं, डीवीडी निकल चुका है, उन्हें दिखाया जा रहा था। वायाकॉम 18 ने ये डिसाइड किया कि डिजिटल ऑडियंस को एक फ्रेश नई फीचर फिल्म देखने को मिलनी चाहिए, इसीलिए बैडमैन फिल्म को प्रोड्यूस किया। और बैडमैन फिल्म से जुड़ने की वजह से वायाकॉम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ दैट हैज़ बीन ट्रूली ट्रूली फैंटास्टिक। और मेरी तरफ से COO अजीत को बहुत शुभकामनाएं, उसकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। और ये भी बता दूं आपको कि अजीत जी ने फिल्म बैडमैन में एक्टिंग भी की है। इसकी मेरी पिक्चर के बारे में बात करो लड़की। जी बहुत बहुत ही खुशी की बात है कि मराठी सिनेमा ना सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है बल्कि उसके साथ साथ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल, जिसे देखने का मन करता है। मराठी सिनेमा में से जुड़े सभी लोगों को, मराठी सिनेमा से जुड़े सभी टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि फ्राइडे डिक्टेट करता है कि किस प्रकार की फिल्में बनेंगी। अगर पर्टिकुलर टाइप की फिल्में चलती हैं तो उसी तरह की और बहुत सारी फिल्में लॉन्च होती हैं। और चूंकि ऑडियंस का टेस्ट, ऑडियंस की का रुझान बहुत फास्ट बदल रहा है तो फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा दरअसल इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कि क्या है जो ऑडियंस को रिझाएगा। आप देखिए इस साल सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जंगल बुक 2 ने, ना कि एक बॉलीवुड फिल्म ने। तो ऑडियंस टेस्ट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। ऑल आई लाइक टू से इसलिए नहीं कि बैडमैन फिल्म का मैं नायक हूँ, इसलिए नहीं कि बैडमैन इंडिया की सबसे पहली फिल्म फॉर डिजिटल ऑडियंस है, इसलिए नहीं कि वायाकॉम 18 ने बनाई है, इसलिए कि ये एक फर्स्ट टाइम ए मॉक्यूमेंट्री एंड अटेम्प्ट ऑन मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ। यानी कि मेरे जैसे एक कलाकार ने, एक स्टार ने कहानी को परमिट किया कि वो उसके ऊपर मजाक उड़ा सके और उससे ह्यूमर जनरेट हो फिल्म बैडमैन। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। अब तक तो वायकॉम ने जो अपना एक सफ़र जो शुरू किया था 5 साल पहले, मैं उनको शुभकामनाएं इसलिए दूंगा कि उन्होंने
इन 5 सालों में बहुत महत्वपूर्ण फिल्में बनाई, जैसे मैरी कॉम, जैसे क्वीन, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी फिल्में, जिसमें बहुत कम लोगों को हिम्मत होती है बनाने की। उन्होंने वो अपना एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके एक नया मकाम हासिल किया, कामयाबी हासिल की। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, ये उसमें बहुत बिलीव करते हैं और दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। देखिए, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है हमारी जुडिशरी सिस्टम में और मुझे मालूम है कि हमें जस्टिस मिलेगा। और ये युद्ध है प्रिंसिपल्स की, क्योंकि आज के तारीख में जब इंटरनेट है और दुनिया इतने आगे प्रोग्रेस कर चुकी है, एक हमारे बीच एक ऐसा चेयरपर्सन CBFC में बैठा हुआ है जो हमारा खुद का है अनफॉर्चुनेटली, जो इतनी अनरीजनेबल बात कर रहा है, उसको हटाना चाहिए। आप इतने मीडिया को सब पता है, आप मुझसे क्यों कहना चाहते हो? आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो? वायकॉम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। 5 साल बहुत यंग है इस वक्त वायकॉम, बहुत जवान है, बहुत आगे बढ़ना है, एंड आई एम श्योर इट विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। वो हर किस्म की फिल्म लेते हैं, बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं, और उन्होंने दिखा दिया है कि एक फिल्म को अच्छी तरह से रिलीज़ करना कैसे किया जा सकता है। वो उन्होंने देखिए, सेंसर के बारे में तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसीलिए नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। अब सेंसर बोर्ड नहीं है, सर्टिफिकेशन बोर्ड है, तो आप फिल्म में कुछ काटें ये सही नहीं लगता। आप ये कहें कि ये फिल्म एडल्ट्स देख सकते हैं या यूए बच्चों के साथ देख सकते हैं, ये बात अलग है। और वो अब श्याम बेनेगल साहब की कमेटी ने रिकमेंड भी वही किया है कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये सबका ओपिनियन है कि फ्रीडम और मेकर्स को ज़रूर दी जानी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये ऐसा ही होने वाला है। सैराट जी, मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जब चेयरमैन इस साल बना तो मैंने देखी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी भी लगी, और उस लड़की को हमने अवार्ड दिया, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड। तो मराठी सिनेमा, मुझे उस पैनल पे बैठकर ये समझ में आया कि मराठी सिनेमा बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है, और एक नहीं काफ़ी 10-12 फिल्में थी जो काफ़ी अच्छी रही। तो मेरा ख्याल है, और जिस तरह ये फिल्म धंधा कर रही है वो किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं कर रही धंधा, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से फिर उनको मुबारक हो, और भी अच्छी मराठी फिल्में बने, वी ऑल बी प्राउड ऑफ इट। जय महाराष्ट्र। ऑलरेडी बात हो गई उसकी, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। थैंक यू।